हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, हमें हमेशा कहता हूँ कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ही होता है जो हमें बहुत ऊँचाइयों तक लेकर के जाता है, वरना समस्याएँ तो हर एक के साथ होती हैं, किसी के साथ कम होती हैं, किसी के साथ कुछ ज़्यादा होती हैं। और अगर आप इन्हीं समस्याओं में फंसे रह जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा रोक देते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी ग्रोथ को लगातार बनाए रखना और उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्लूटाथायोन के बारे में। ग्लूटाथायोन के बारे में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि ग्लूटाथायोन ना सिर्फ आपकी स्किन को गोरा करता है बल्कि ये आपके शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे भी बढ़ाता है। ग्लूटाथायोन एक नेचुरल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो परमात्मा ने एक प्रोग्रामिंग की है कि हमारे शरीर में खुद ब खुद बनता है। लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल गलत हो जाती है, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, हम नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, हम एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं, हम खाना पीना अच्छे से अगर नहीं खाते हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे शरीर में जो ग्लूटाथायोन बनने की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। और एक कम होने वाली स्पीड की वजह से जब शरीर में ग्लूटाथायोन नहीं बनता तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स हमला करने लगते हैं जिनकी वजह से हमारी त्वचा का रंग जो है वो काला पड़ने लगता है, हमारी त्वचा में एजिंग प्रोसेस के इफेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, हमारे शरीर में थकावट आने लगती है और शरीर बहुत कम काम करने के बाद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक अनुभव नहीं करता। ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ये हम सभी लोग अनुभव करते हैं। हम सभी लोग कहते हैं ना कि 5 साल पहले मेरी स्किन का कलर कुछ और हुआ करता था, आज कुछ और है। तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में ग्लूटाथायोन जो है वो बनना कम होता जा रहा है और यही वो समय है जब आपको रुकना है और अपने शरीर में रोज़ ग्लूटाथायोन की जो सप्लाई है उसको बढ़ाना है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या हम इसे घर में बना सकते हैं। डेफिनेटली हम इसे अपने घर में बना सकते हैं और 4 चीज़ों को मिला करके जब आप इसे अपने घर में बनाओगे और इसका रोज़ सेवन करोगे तो आपके शरीर में जो कमी होती जा रही थी या जो आपके शरीर में जो कम बन रहा था ग्लूटाथायोन वो अपने आप अच्छी मात्रा में होने लगेगा और आपके शरीर में सारे के सारे पॉजिटिव जो इफेक्ट्स हैं ग्लूटाथायोन के वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। दोनों ही टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, मतलब इसे कैसे बनाना है ये भी सीखेंगे और साथ के साथ में अगर कोई रेडीमेड लेना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में उनके बारे में भी बात करेंगे। सो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, बिकॉज आपके एक छोटे से शेयर की वजह से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचेगी और उनके जीवन में ये पॉजिटिविटी ला करके आपके पुण्य का जो खाता है, आपके पॉजिटिव अकाउंट्स का जो खाता है से बढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में जैसे बहुत सारे दूसरे हार्मोन्स बनते हैं, दूसरी बहुत सारी चीज़ें भगवान ने प्रोड्यूस करने के लिए सिस्टम बनाया है, बिल्कुल वैसे ही शरीर में इस ग्लूटाथायोन को बनाने के लिए भी एक सिस्टम बनाया है परमात्मा ने जो कि काम करता है हमारे शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल से लड़ने का। लेकिन जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल गड़बड़ होती जाती है ये ग्लूटाथायोन कम होता जाता है और ये कम होता हुआ ग्लूटाथायोन हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां देता है। 4 चीज़ें हैं जिनको मिला करके अगर हम एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर अगर मिला के खाते हैं तो ये हमारे शरीर में ग्लूटाथायोन की सप्लाई को पूरा करता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मैं अमाउंट, ये जो मैं प्रोपोर्शन आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं अनुपात आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो चीज़ दोस्तों इस पाउडर को बनाने के लिए हमें चाहिए वो है खसखस। खसखस जो है जिसको कि हम पोस्त के दाने कहते हैं, बहुत आसानी से किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिल जाती हैं, ये अपने आप में एक प्रूवन चीज़ है जिसकी वजह से हमारे शरीर में ग्लूटाथायोन का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो अगर आप 7 दिनों के लिए ग्लूटाथायोन के इस पाउडर को बना रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है लगभग 25 ग्राम खसखस की। खसखस के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर में जा करके फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं और हमारे शरीर को नेचुरली प्रोवोक करते हैं जिसकी वजह से वो खुद से ग्लूटाथायोन का प्रोडक्शन बूस्ट कर देता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करने की जरूरत होती है वो है सीबकथॉर्न बेरी पाउडर।
मैं हमेशा कहता हूँ और मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में इसे कवर भी किया है कि सिबकथॉर्न बेरी जो है वो एक्चुअली हमारे शरीर में कॉलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और वो नेचुरली हमारी बॉडी खुद ब खुद कॉलेजन बनाने लगती है। कॉलेजन के प्रोडक्शन को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत होती है एक ऐसे सप्लीमेंट की जो कि आपके शरीर में सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी को पूरा कर दे, क्योंकि जितने ज़्यादा पोषक तत्व आपके शरीर को आप सप्लाई करोगे उतना आसानी से आपका शरीर कॉलेजन के प्रोडक्शन को करेगा। सिबकथॉर्न बेरी पाउडर जो है वो बेसिकली बर्फीली जगहों पर होता है और अगर आप इसे ग्लूटाथियोन पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ग्लूटाथियोन पाउडर बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली बनता भी है और आपके शरीर में रेगुलर डोजेस लेने पर उसका बेहतरीन रिजल्ट आपको इसका मिलता भी है। तो अगर आपने 25 ग्राम खसखस ली है तो आपको यहाँ पर जो सिबकथॉर्न बेरी पाउडर मिलाना है वो उसका 4 गुना मतलब कि 100 ग्राम आपको यहाँ पर मिलाना है। तीसरी जो चीज़ दोस्तों इस पाउडर को बनाने के लिए हमें चाहिए वो है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च के अंदर होता है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पैपरिन और ये जो पैपरिन है ये इस ग्लूटाथियोन को हमारे शरीर में अवशोषित करने में हमारी मदद करता है। जितना ज़्यादा अवशोषण ग्लूटाथियोन का हमारे शरीर में होगा उतना ज़्यादा फायदे हमारे शरीर को इस ग्लूटाथियोन से मिलने वाले हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम काली मिर्च को यहाँ पर स्किप ना करें। 15 ग्राम काली मिर्च को आप पाउडर बना करके या कूट करके आप इसके अंदर डाल देंगे जिसकी वजह से सिबकथॉर्न बेरी पाउडर का और जो खसखस का जो बेनिफिट है वो आपके शरीर को मिलेगा और ग्लूटाथायोन आपकी बॉडी में प्रॉपरली सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। नंबर 4 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों वो आता है यहाँ पर बादाम। बादाम जो है वो कोशिश कीजिए कि आप मामरा वाला लीजिए। मामरा मतलब वो छोटा छोटा जो बादाम आता है ना जो हल्का सा कड़वा रहता है टेस्ट के अंदर वो आप लीजिए, क्योंकि जो कैलिफोर्निया वाला जो बादाम आता है वो स्वाद में तो अच्छा होता है लेकिन उसके अंदर उतने ज़्यादा एंटी ऑक्सीडेंट्स नहीं होते जितना कि बेसिकली हमारे शरीर को इस ग्लूटाथियोन पाउडर को बनाने के लिए ज़रूरत होते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मामरा वाला बादाम लीजिए। इस पूरे के पूरे प्रोपोर्शन में अगर आप मामरा बादाम डालना चाहते हैं तो वो होंगे 50 ग्राम। मामरा बादाम के अंदर बहुत सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, नरिशिंग प्रॉपर्टीज होते हैं और विटामिन ई होता है जिसकी वजह से ही आपके शरीर के अंदर नेचुरली ग्लूटाथियोन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। मैं वापस से चारों चीज़ों का अनुपात आपको बता देता हूँ। 25 ग्राम हमने खसखस ली है, 100 ग्राम हमने सिबकथॉर्न बेरी का पाउडर लिया है, 15 से 20 ग्राम हमने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर लिया है और लगभग 50 ग्राम हमने यहाँ पे मामरा बादाम लिए हैं। इन चारों चीज़ों का अच्छे से मिला लीजिए, पाउडर बना लीजिए और लीजिए, आपका घर में बना हुआ ग्लूटाथायोन पाउडर बनकर के तैयार है। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को आपको इसे लेना होता है दूध या पानी के साथ में और आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपके शरीर में जब ग्लूटाथायोन की कमी पूरी हो जाएगी तो आपके शरीर के अंदर जो स्किन का कलर है वो इंप्रूव होने लगेगा, जोड़ों का जो दर्द था वो दूर होने लगेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके शरीर में एनर्जी रहेगी। आप 50 साल की एज में भी 25 जैसी जो स्फूर्ति है उसका अनुभव बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब ये बात हो गई कि आपको इसे घर में कैसे बनाना है, लेकिन अगर आप इसे हर 7 दिन में अपने घर में इसे नहीं बना पा रहे हो तो आपको मार्केट में एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट मिलता है जो कि मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड है जिसका नाम है वेलनेस बीट का ग्लूटाथायोन कैप्सूल्स। ये जो वेलनेस बीट का ग्लूटाथायोन कैप्सूल्स है इसके अंदर आपको पेपरिन के साथ साथ ग्लूटाथायोन के साथ साथ विटामिन सी का कॉम्बिनेशन भी मिलता है जिसकी वजह से यह आपके शरीर में ना सिर्फ स्किन को बेनिफिट्स देता है बल्कि आपके बालों को भी बेनिफिट्स देता है, आपके शरीर को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है, आपके शरीर में जो एज बढ़ने के साथ साथ जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं उन सबको ये पूरी तरीके से रिजॉल्व करके उसे खत्म करने में आपकी मदद करता है। 1 कैप्सूल सुबह खाना खाने के बाद और 1 कैप्सूल रात को डिनर करने के आधा घंटा बाद आप लीजिए दूध या पानी के साथ में। 3 महीने के प्रयोग के अंदर ही आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे फायदे हो रहे हैं। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्लूटाथायोन पर जो आपकी बहुत सारी डिमांड चल रही थी कि सर वीडियो बना दीजिए कैसे इसे बनाना है वो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि ये पहुँचे और उनके अंदर भी उनकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।